इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को जिसके जरिए हम ये एनालिसिस करते हैं, यानी यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बेसिकली ये पांच कंपोनेंट्स हैं, जैसे लाइट सोर्स, फिर मोनोक्रोमेटर, फिर सैंपल कंपार्टमेंट, उसके बाद डिटेक्टर और रीड आउट डिवाइस। और अगर इनकी स्कीम को हम ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले लाइट सोर्स, उससे लाइट पास होकर मोनोक्रोमेटर तक पहुंचती है। मोनोक्रोमेटर, जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम इनिशियल स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट उसमें से एमिट होती है। मोनोक्रोमेटर से पास होने के बाद सैंपल कंपार्टमेंट, सैंपल हमारा नॉर्मली सॉल्यूशन फॉर्म में है और इस सॉल्यूशन को हम क्यूबिट के अंदर रखते हैं, जैसे हमने दो मॉड्यूल पहले इसको डिस्कस किया था। और सैंपल कंपार्टमेंट से निकल के लाइट डिटेक्टर में जा रही है, जो हमको लाइट इंटेंसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा कि पहले कितनी लाइट पहुंच रही थी, सैंपल में से गुजरने के बाद लाइट की कंसंट्रेशन में क्या कमी वाकई हुई है। और इस बात को रीड आउट डिवाइस या रिकॉर्डिंग आउटपुट, जो हमें एब्जॉर्बेंस की सूरत में, पीक्स की सूरत में इन्फॉर्मेशन देगी। ये स्कीमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंट हो रही है। दो लाइट सोर्स यूवी में इस्तेमाल होते हैं, एक अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए और दूसरा विजिबल रीजन के लिए। विजिबल रीजन के लिए तो नॉर्मली टंगस्टन लैंप, जो हम घरों में भी येलो लाइट वाले लैंप इस्तेमाल करते हैं, अब बहुत कम हो गए हैं, उनकी जगह एनर्जी सेवर्स ने ले ली है। तो एनर्जी सेवर्स में बेसिकली कोई गैस मौजूद होगी तो टंग्स जो यूवी लैंप है वो भी इसी टाइप का एक लैंप है, जिसमें ड्यूट्रियम गैस मौजूद है और इसकी बेसिस पे वो यूवी रेंज की लाइट एमिट करता है। ये दोनों लाइट्स इसके बाद एक फिल्टर से या मोनोक्रोमेटर से या किसी ऐसी डिवाइस से पास होते हैं जो एक सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद इसे हाफ मिरर से पास किया जाता है। हाफ मिरर की बजाय आमतौर पे ये कोई चॉपिंग डिवाइस भी इस्तेमाल करते हैं, एक चॉपर जो मुसलसल रोटेट करता रहे और ये लाइट चॉप हो जाए, हाफ एक मिरर के पास चली जाए और हाफ दूसरे मिरर के पास चली जाए। यह हाफ मिरर भी इसी तरह का है, जिसमें स्लिट्स मौजूद हैं और कुछ लाइट पास हो रही है, कुछ डायरेक्ट निकल रही है। इस तरह ये हाफ लाइट रेफरेंस बीम में से पास हो रही है और हाफ लाइट सैंपल बीम में से पास हो रही है। जो रेफरेंस बीम से लाइट पास हो रही है, चूंकि उसमें ब्लैंक सॉल्यूशन है और या वाटर है सिंपल, तो उस कंसंट्रेशन को हम आई नॉट कह रहे हैं। और जो सैंपल में से पास हो रही है, जिसमें कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो हम उसको, उसमें से जो लाइट इंटेंसिटी निकल रही है वो आई है। और इसी बेसिस पे हम ट्रांसमिटेंस यानी आई ओवर आई नॉट इंस्ट्रूमेंट खुद कैलकुलेट करता है और इसे एब्जॉर्बेंस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें रीडिंग्स देता है। टंगस्टन लैंप, जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट इस्तेमाल हुआ है जो हीट हब होता है, ये डेफिनेटली टंगस्टन बल्ब की तरह ये भी वैक्यूम्ड हैं। अगर इसमें एयर मौजूद हो तो ये बर्न हो जाएगा। और ये टंगस्टन लैंप हमें विजिबल रीजन की लाइट यानी 350 से लेकर ऑलमोस्ट 1100 नैनोमीटर की लाइट, जिसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट काम करता है, वो हमें टंगस्टन से मिलती है। ड्यूट्रियम लैंप, जिसमें ड्यूट्रियम गैस की फॉर्म में मौजूद है और यहाँ जब ग्लो होता है तो वो ग्लो हमें यूवी रीजन की लाइट एमिट करता है। नॉर्मली हमारे ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स 190 नैनोमीटर से लेकर 1100 नैनोमीटर तक काम करते हैं। 190 से 350 नैनोमीटर ड्यूट्रियम लैंप या अल्ट्रावायलेट रेंज की लाइट एमिट होती है। इसके बाद ये स्विच करता है, टंगस्टन लैंप को ऑन करता है, तो 350 से लेकर हम नॉर्मली 760 नैनोमीटर तक विजिबल रीजन की लाइट कंसिडर करते हैं। और लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट उससे भी कुछ ज़्यादा यानी 1100 नैनोमीटर तक एब्जॉर्प्शन शो करता है। 190 नैनोमीटर से नीचे इसे हम वैक्यूम यूवी रीजन कहते हैं, नॉर्मल यूवी रीजन नहीं है, इसलिए उसमें एब्जॉर्प्शन हम 190 नैनोमीटर से ही इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करते हैं।